चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। जोई जोई यहाँ हो तुम। जोई, फार्म और जानवरों की देखभाल करते हुए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे पास एक इनाम है तुम्हारी इस मेहनत के लिए। तो देखो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा इनाम, एक बढ़िया सी बड़ी हड्डी। जोई बहुत खुश था और अपने मालिक को ये खुशी अपनी पूंछ हिलाकर दिखा रहा था। जोई ने वो हड्डी ली और अपने केनल में भाग गया। वो बहुत खुश था कि उसे उसकी मेहनत के लिए एक हड्डी इनाम में मिली थी। उसने खुशी से उछलकर उस हड्डी को चूमा, जो उसके लिए एक कीमती तोहफा थी, और बोला, मैं तो आज जश्न मनाऊंगा इस पूरी हड्डी को अकेले खाकर। आसपास के दूसरे कुत्ते जोई के साथ खेलने उसके यहाँ आए। जोई उनके साथ हड्डी बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुर्राया और भौंका उन दूसरे कुत्तों पर। उसकी इस हरकत से नाराज होकर वो कुत्ते आपस में खेलने चले गए। जोई ने हड्डी को अपने मुंह में लिया और खुद से बोला, जश्न मनाने का वक्त है, मैं हड्डी को लेकर पार्क जाता हूँ और वहाँ इसे अकेले खाऊंगा। हड्डी को अपने मुंह में लेकर उसने पार्क की तरफ चलना शुरू किया, ये दिखाते हुए कि वो दूसरे कुत्तों को नहीं देख रहा है। दूसरे कुत्ते जोई की इस हरकत की वजह से उदास हो गए थे। पुल पार करते हुए उसे पुल के बीच की जगह में से पानी में अपनी परछाई नजर आई। मैंने आस पड़ोस के कुत्तों से कहा था मेरे पीछे मत आना, फिर भी वो आ रहे हैं मेरी हड्डी लेने के लिए। मैं इन पर थोड़ा गुर्राता और भौंकता हूँ और अभी बताता हूँ। जो हड्डी वो अपने मुंह में ले जा रहा था नीचे पानी में गिर गई। मुझे बहुत दुख है हड्डी को खोने का। हड्डी खोने से उदास होकर वो वहीं पानी के किनारे बैठ गया। आस पड़ोस के कुत्ते इकट्ठे किए हुए खाने को खाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा जोई पानी के किनारे उदास बैठा है। अरे जोई, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? जोई ने उसे पूरी बात बताई। सभी कुत्तों ने जोई से कहा कि वो उदास ना हो और अपना खाना उसके साथ बांटा। जोई को अपनी गलती का एहसास हुआ। और उन कुत्तों के साथ खाना ना बांटने की बात से शर्मिंदगी महसूस हुई। इसी बीच वहाँ पानी के किनारे एक आदमी बैठकर मछली पकड़ने वाले कांटे से मछली पकड़ रहा था। उसने कांटा अंदर फेंका जिसमें वो हड्डी फंस गई जो जोई ने गिरा दी थी। ये देखकर कि वो मछली नहीं थी, उस आदमी ने वो हड्डी फेंक दी। वो हड्डी जोई के पैरों के पास आकर गिरी। खुशी से जोई चिल्ला पड़ा, मेरी हड्डी, ये तो मेरी हड्डी है, मुझे वापस मिल गई।
अगले ही पल उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके साथ वो हड्डी बांटी। उस दिन के बाद से वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।